welcome to vlearn this is session number 5 of grid computing in this session we will discuss about the grid architecture so first of all we will discuss about the grid problem grid computing has evolved into an important discipline within the computer industry by differentiating itself from distributed computing through an increased focus on resource sharing coordination manageability and high performance ग्रिड कंप्यूटर जो है आज की डेट में ऐसे इन्वॉल्व हो रहा है इन्वॉल्व हो रहा है इन टू एन इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन विद इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री कंप्यूटर इंडस्ट्री में बाई डिफ्रेंशिएटिंग इट्स एल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग थ्रू एन इंक्रीज फोकस कैसे फोकस दे रहा है किस पे दे रहा है ऑन रिसोर्स शेयरिंग पे दे रहा है देन कोऑर्डिनेशन पे दे रहा है मैनेजेबिलिटी भी दे रहा है और हाई परफॉर्मेंस पे दे रहा है देन द फोकस ऑन रिसोर्स शेयरिंग इज कॉल्ड द ग्रिड प्रॉब्लम जो इसका रिसोर्स शेयरिंग पे जो फोकस है इसको हम लोग हैं ग्रिड प्रॉब्लम के नाम से कॉल करते हैं देन विच कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द रिसोर्स शेयरिंग अमंग ए सेट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जिसको कि हम लोग फोकस कर सकते हैं रिसोर्स शेयरिंग पे जिसको हम लोग कॉल करते हैं ग्रिड प्रॉब्लम के नाम से देन विच कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जिसको क्यों कि हम लोग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के नाम से कॉल कर सकते हैं और ये एसोसिएटेड है विद रिसोर्स शेयरिंग अमंग ए सेट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स और ये एसोसिएटेड किससे रिसोर्स शेयरिंग के साथ में है अमंग ए सेट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हैं देन नेक्स्ट कम्स कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम लोग जो हैं वीओ के नाम से इसको कॉल कर सकते हैं ए वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और वीओ इज़ ए डायनामिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ये क्या है एक डायनामिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है ग्रुप्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन हैं हु डिफाइन द कंडीशन एंड रूल्स फॉर शेयरिंग रिसोर्स देन द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज द की टू ग्रिड कंप्यूटिंग जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए की के टाइप से काम करता है सो ऑल वी यू और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन शेयर सम करेक्टरिस्टिक्स एंड ईशूस ये किसको शेयर करते हैं इंक्लूडिंग कॉमन कंसर्न्स एंड रिक्वायरमेंट्स दैट मे वेरी इन साइज जो कि साइज के अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं देन स्कोप के अकॉर्डिंगली देन ड्यूरेशन सोशियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं देन नेक्स्ट कम्स एमरजेंस ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन सो हेयर वी आर गोइंग टू कंसिडर द फोर सीनेरियोज टू बेटर अंडरस्टैंड देयर करेक्टरिस्टिक्स देन द सनेरियोज आर थाउजेंड्स ऑफ फिजिस्ट्स फ्राम डिफरेंट लैबोरेटरीज ज्वाइन टूगेदर टू डिज़ाइन बहुत सारे जो है फिजिस हैं जो डिफरेंट लैबोरेटरीज हैं ज्वाइन कर रहे हैं इकट्ठे मिल करके किसके लिए टू डिज़ाइन क्रिएट ऑपरेट एंड एनालाइज द प्रोडक्ट ऑफ ए मेजर डायरेक्ट डायरेक्टर एट सन देन ये क्या है दूरपियन हाई एनर्जी फिजिक्स लेबोरेटरी है सो दिस ग्रुप्स फॉर्म से डाटा ग्रिड विद इंटेंसिव कंप्यूटर इन्होंने क्या किया एक डाटा ग्रिड को फॉर्म किया है किस इसके साथ में विद इंटेंसिव कंप्यूटिंग स्टोरेज नेटवर्क सर्विसेज, रिसोर्स शेयरिंग इन ऑर्डर टू एनालाइज पेटाबाइट्स ऑफ डाटा क्रिएटेड बाय द डिटेक्टर ऑफ सर दिस इज सो वी कैन से दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन देन इन द सेकेंड एग्जाम्पल ए कंपनी डूइंग फिनांशियल मॉडलिंग फॉर ए कस्टमर बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस डाटा सोर्सेस कंपनी क्या कर रही है फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रही है कस्टमर्स के बेस पे कहाँ पे डाटा कलेक्ट कर रही है फ्रॉम वेरियस डाटा सोर्सेज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द कंपनी सो दिस स्पेसिफिक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर में नीड टू फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग कैपेबिलिटी एंड एडवाइजरी कैपेबिलिटी ऑन देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विच इज बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल हिस्टोरिक एंड करंट रियल टाइम फाइनेंशियल मार्केट डाटा जो क्या किसके बेस पे है जो उनके एक्चुअल फाइनेंशियल मार्केट डाटा है जो कि रियल टाइम बेस्ड है देन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कस्टमर कैन देन बी रिस्पॉन्सिव बाय फॉर्मिंग ए डायनामिक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द एंटरप्राइज फॉर अचीविंग मोर बेनिफिट फ्रॉम एडवांस्ड एंड मासिव फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन पावर एंड फॉर डॉट सो देन क्या है दिस डायनामिक फाइनेंशियल ओरिएंटेड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कैन नाउ रिड्यूज अनडिजायरेबल कस्टमर वेट टाइम ये क्या करेगा जो कस्टमर का वेट टाइम है उसको रिड्यूस करेगा वाइल इनक्रीजिंग रिलायबिलिटी ऑन फोरकास्टिंग बाई यूजिंग रियल टाइम डाटा दैन क्या करेगा रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करेगा एंड फिनेंशियल मॉडलिंग टेक्निक्स सो दिस इज अल्सो बेस्ट सुटेबल सेकेंड एग्जाम्पल फॉर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन देन इन दस नेक्स्ट एग्जाम्पल एन इंडस्ट्री कंसोटियम फॉर्म टू डेवेलप ए फिजिबिलिटी स्टडी और ए नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट अंडरटेक से हाईली एक्ूरेट मल्टी डिस्क्रिमिनरी सिमुलेशन ऑफ द एंटायर एयरक्राफ्ट उन्होंने क्या किया है पूरे एयरक्राफ्ट के लिए सिमुलेशन के लिए उन्होंने किया है दिस सिमुलेशन इंटीग्रेट्स प्रोपराइटी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स डेवलप्ड बाय डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स विद ईच कंपोनेंट ऑपरेटिंग ऑन दैट पार्टिसिपेंट्स कंप्यूटर्स एंड हैविंग एक्सेस टू अप्रोप्रेट डिजाइन डाटा बेस सो एंड अदर डाटा मेड अवेलेबल टू द कंसोटियम बाई इट्स मैम्बर सो दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल सो नेक्स्ट नेक्स्ट विद अ क्लोज ऑब्जरवेशन ऑल दिज एग्जाम्पल्स ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट्स अब ये कैसे अलग अलग रेस्पेक्ट से डिफर कर रही हैं द नंबर ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज द ड्यूरेशन एंड स्केल ऑफ इंटरेक्शन एंड द रिसोर्स बींग शेयरड सो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल्स बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन सो नेक्स्ट वी कैन सी अगर इन केस जो है आ, हम लोग देखते हैं द पॉलिसीज जो गवर्निंग एक्सेस होता है टू रिसोर्स वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स एंड व्यूज इन्वेंटेड वो कौन से हो सकते हैं लाइक रिसोर्स शेयरिंग इज़ कंडीशनल अगर इन केस जो रिसोर्स हैं जो उसकी शेयरिंग है वो कंडीशनल है देन कम्स शेयरिंग रिलेशनशिप्स आर ओफन सिंपली क्लाइंट सर्वर जो इसकी शेयरिंग रिलेशनशिप्स हैं वो जनरली क्या होती हैं हम लोग देखते हैं क्लाइंट सर्वर बेस्ड हैं बट पीयर टू पीयर है सो नेक्स्ट एवोल्यूशन एंड नेचर ऑफ ग्रिड आर्किटेक्चर इन नाइनटीन नाइनटी एट इट वेटेड दैट ए कम्पुटेशनल ग्रिड इज ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर नाइनटीन में क्या था यह स्टेट हुआ था कि जो कंप्यूटेशनल ग्रिड है एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइड्स डिपेंडेबल कंसिस्टेंट परवेसिव एंड इनएक्सपेंसिव एक्सेस टू हाई एंड कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज क्या जो प्रोवाइड करता है डिपेंडेबल है कंसिस्टेंट है प्रवेसिव है और इनएक्सपेंसिव है एक्सेस टू हाई एंड कंपोटेशनल कैपेबिलिटीज के लिए वाई इज इंटरऑपरेबिलिटी सच ए फंडामेंटल कंसर्न सो जो इंटरऑपरेबिलिटी है क्यों इतनी फंडामेंटल कंसर्न है एज एट इशू इज आर नीड टू इंश्योर दैट शेयरिंग रिलेशनशिप्स कैन बी इनिशिएटेड अमंग आर्बिट्रेटरी पार्टीज सो इस इशू पे क्या है हमारी जो नीड है वो क्या है टू इंश्योर दैट जो शेयरिंग रिलेशनशिप्स हैं कैन बी इनिशिएटेड अमंग आर्बिट्ररी पार्टीज अकोमोडेटिंग न्यू पार्टिसिपेंट्स डायनामिकली न्यू जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अकोमोडेट कर रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है इवन की लैंग्वेजेस पे डिफरेंट पे हो रहा है और जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट्स हैं उनके बेस पे हो रहा है सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट मैकेज़म्स सर्व लिटल परपज़ इफ दे आर नॉट डिफाइंड सो इसमें क्या है इस कॉन्टेक्स में क्या है जो मैकेजम्स हैं वो सर्व करते हैं लिटल परपज़ इफ़ दे आर नॉट डिफाइंड अगर वो डिफाइंड नहीं है एंड इम्प्लीमेंटेड सो एज टू बी रिसोर्स टाइप्स विदाउट इंटरऑपरेबिलिटी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन एंड पार्टिसिपेंट्स आर फोर्सड टू एंटर इन टू बाईलेटरल शेयरिंग अरेंजमेंट्स जो इसके इंटर ओपरेबिलिटी के बिना जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनको फोर्स किया जाता है टू एंटर इन टू बाई शेयरिंग अरेंजमेंट्स में एज देयर इज नो एश्योरेंस दैट द मैकेनिज्म यूज बिटवीन एनी टू पार्टीज विल एक्सटेंड टू एनी अदर पार्टीज सो फैब्रिक लेयर इंटरफेसिज टू लोकल कंट्रोल द ग्रिड फैब्रिक लेयर प्रोवाइड्स द रिसोर्स टू विच शेयर्ड एक्सेस इज़ मीडिएटेड बाय ग्रिड प्रोटोकॉल्स जो ग्रिड फैब्रिक लेयर है ये क्या करता है प्रोवाइड करता है रिसोर्स को टू विच शेयर्ड एक्सेस मैड मीडिएटेड बाई ग्रिड प्रोटोकॉल्स दिस इंक्लूड्स फॉर कम्पोटेशनल रिसोर्स स्टोरेज सिस्टम्स कैटालाग्स नेटवर्क रिसोर्स एंड सेंसर्स ये इंक्लूड करता है कंपोटेशनल रिसोर्स के लिए स्टोरेज सिस्टम्स के लिए कैटालाग्स के लिए और नेटवर्क रिसोर्स इवन सेंसर्स के लिए करता है सो आ रिसोर्स मे बी ए लॉजिकल एंटिटी जो रिसोर्स है एक लॉजिकल एंटिटी हो सकता है सच एज ए डिस्ट्रीब्यूटर फाइल सिस्टम जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर फाइल सिस्टम के लिए कंप्यूटर क्लस्टर और डिस्ट्रीब्यूटर कंप्यूटर पूल के लिए हो सकता है देन फैब्रिक कंपोनेंट्स इंप्लीमेंट्स द लोकल रिसोर्स स्पेसिफिक ऑपरेशन दैट शेयरिंग ऑपरेशन एट हायर लेवल जो फैब्रिक कंपोनेंट्स हैं ये इंप्लीमेंट करते हैं लोकल रिसोर्स स्पेसिफिक ऑपरेशन को जो शेयर करते हैं ऑपरेशन को एट हायर लेवल्स पे सो नेक्स्ट कम्स रिसोर्स स्पेसिफिक करैक्टर ऑफ द कैपेबलिटीज़ अब यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं जो इसकी रिसोर्स स्पेसिफिक करेक्टराइजेशन ऑफ कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं इसमें क्या है रिसोर्स स्पेसिफिक में जो हम लोग देख रहे हैं कंपोटेशनल रिसोर्स आ गया देन स्टोरेज रिसोर्स आ गया देन नेटवर्क रिसोर्स देन कोड रिपोजिटरीज आ गया कैटेलॉग्स आ गया कंपोटेशनल रिसोर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो करैक्टराइजेशन है इसकी इवन की देन स्टोरेज रिसोर्सेज कहाँ पे स्टोरेज हो रही है स्टोरेज से रिलेटेड है देन नेक्स्ट कम्स नेटवर्क रिसोर्स जो कि नेटवर्क के रिसोर्स से कंसर्न है देन कोड रिपोजरीज जो इसकी रिपोजरीज का कोड है उसके रिगार्डिंग हो गया देन नेक्स्ट कम्स कैटलॉग्स सो नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी लेयर कम्युनिकेटिंग ईजीली एंड सिक्योरली जो कनेक्टिविटी लेयर है इसमें जो है कम्युनिकेशन जो है ईजिली और सिक्योरली होना चाहिए सो so, द कनेक्टिविटी लेयर डिफाइनस द बेसिक कम्युनिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रिड स्पेसिफिक नेटवर्किंग सर्विस ट्रांजेक्शंस जो कनेक्टिविटी लेयर है क्या करता है डिफाइन करता है बेसिक कम्युनिकेशन को और अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स को जो कि रिक्वायर्ड है फॉर ग्रिड स्पेसिफिक नेटवर्किंग सर्विस ट्रांजेक्शन्स के लिए देन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स अनेबल द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन फैब्रिक लेयर रिसोर्स जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं अनेबल करते हैं द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन फैब्रिक लेयर रिसोर्सेज देन नेक्स्ट आ गया ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स बिल्ट ऑन कम्युनिकेशन सर्विसेज टू प्रोवाइड क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर मैकेनिज्म फॉर वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर्स एंड रिसोर्स सो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं जो कि बिल्ट इन है कम्युनिकेशन सर्विसेज पे और प्रोवाइड करते हैं क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर मैकेनिज्म फॉर वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर्स एंड रिसोर्स सो फर्दर वी विल डिस्कस द अदर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट सेशन so for the today's session or of fifth a session we have some exercises like what is resource specific characterizations of capabilities then next is um, what is emergence of virtual organization as we have discussed about all these things in this session very clear uh, very in very detail so we can easily uh, do these exercises so that's all for today's session